टीवी सीरियल हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की में बाल कृष्ण का रोल प्ले करने वाली ये क्यूट सी नन्ही अदाकारा जिनका रियल नेम है हेजल, उनके बारे में तो सुमित मानो तारीफ करते ही नहीं थक रही हैं। सामने आई है सुमित और मलिका की एक नई अपडेट जिसमें उन्होंने राधा कृष्ण की तरह ही नन्हे कृष्ण का रोल प्ले करने वाली हेजल की तारीफ में काफ़ी कुछ खूबसूरत बातें कहीं, जहाँ सुमित से पूछा गया कि वो जो नन्ही बच्ची कृष्ण का किरदार निभा रही है वो कैसी है, आपको कैसी लगती है। सुमित ने बड़े ही प्यार भरे अंदाज से हेजल की तारीफ करते हुए कहा, छोटी सी प्यारी सी बच्ची है, शी इज़ वेरी क्यूट। थिंग इज बच्चे बहुत होते हैं और वो बहुत चालाक होते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनकी टेरिटरी में एंटर भी ना करें। इनिशियल डेज में मैंने थोड़ा कोशिश की थी कि मैं उसके साथ थोड़ा खेल लूं, और मैं आता था और उसके साथ खेलता था, और कुछ बच्चे होते हैं जिनसे दूर रहना ही बेहतर होता है, बट वो ऐसी नहीं है। इसके साथ खेलने की जब भी मैं कोशिश करता हूं, जैसे ही थोड़ी लाइन क्रॉस करता हूं, वो रोने लगती है। तो मैंने सोचा रहने दो, मैं गाल पर पप्पी देकर आ जाता था और वो रोने लग जाती थी क्योंकि बहुत छोटी सी है ना। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चाहे जो हो जाए, मैं क्यों इसमें इतना वो कर रहा हूँ, मुझे ये प्यारी लग रही है, मैं तो भाई किस करूँगा, फिर चाहे ये रोए या कुछ भी करे मेरी प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ और उसको मैं ख्याल भी रखता हूँ। शी इज़ रियली वेरी क्यूट, और मैं तो उसको गाल पर पप्पी देकर के भाग जाता हूँ, और अब उसको आदत हो गई है तो अब इतना नहीं रोती। यहाँ पर मलिका से भी पूछी हेजल के बारे में कुछ खास बातें, तो यहाँ पर मलिका ने कहा, शी इज़ वेरी वेरी क्यूट बट थोड़ी सी स्टबर्न है। आई डोंट नो उसके साथ कैसे शूट करते हैं, क्योंकि जब जब हमारा शूट चल रहा होता है तब तक उसका भी शूट चल रहा होता है, और उसके साथ कितना मुश्किल होता है शूट करना ये मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, क्योंकि बच्चों के साथ शूट करना बेहद मुश्किल होता है क्योंकि उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि ये प्रोमो चल रहा है, ये सीक्वेंस चल रहा है, ये शॉट है, उन्हें तो बस अपने से मतलब होता है, क्योंकि उसको जो समझ ही नहीं है ना, वो बहुत ही क्यूट है, उसको छूने का बहुत मन करता है, और ये मैं कहना चाहूँगी कि उसको बहुत ही चुन के लिया गया है, उसको एकदम परफेक्ट रोल के लिए परफेक्शन के साथ चुना है, उसे देखकर हर कोई अट्रैक्ट हो जाता है, और यही हमारे शो की और उस बच्चे की खासियत है। तो इन शॉर्ट हेजल से बेहतर और कोई शायद बालकृष्ण के लिए इस शो में हो ही नहीं सकता था। वेल वेरी वेल सेड मलिका, जिस तरीके से आप लोगों की तरह राधा कृष्ण कोई और नहीं हो सकता, उस तरह यकीनन बालकृष्ण के रूप में हेजल का ये अवतार हम सबको भी उतना ही अट्रैक्टिव लगेगा जितना कि आपको। और ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।